Hey guys, स्वागत है आप सबका पोकेमॉन फायर एज के एपिसोड नंबर 62 में। तो गाइस लास्ट एपिसोड में हम लोग आ चुके थे कैस्टेलिया सिटी में, एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने टीम में थोड़े से चेंजेस किए, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने मेरे पोकेमॉन्स के जस्ट लाइक सबके ट्रेनिंग कर ली थोड़ी सी, एंड हाँ, मैंने ओशोवर्ट को डिपॉजिट करके स्विडल को ले लिया है टीम में, क्योंकि आज के इस एपिसोड में स्विडल का यूज़ होने वाला है, एज वेल एज लास्ट एपिसोड में जो एग हैच हो चुका था, मतलब एग हैच हो चुका था जिससे हम लोगों को स्क्रैगी मिला था, तो इसको भी मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के रखी है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम लोग हमारे पेड़ों को विकसित करेंगे आज के जिम बैटल से पहले, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू गाइस, एंड मैंने थोड़ा देखा था, रिसर्च किया था गूगल पे, तो वो कैस्टेलिया सिटी से विनिपिड जो बाहर घूम रहे उनके साथ बैटल करने के टाइम पे ही पेड़ इवॉल्व हुआ था, एंड स्विडल को तो जस्ट लाइक बीच में बैटल के बीच में वो इवॉल्व हुआ था। बट इस गेम में तो हम लोग ऑब्वियसली बात है इन बैटल इवॉल्व नहीं कर सकते पोकेमॉन गेम्स में, तो दैट्स व्हाई मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग बैटल करके हमारे पीडो को पहले इवॉल्व कर लेते हैं। मैंने इसके ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग करके रखी थी, तो अभी एक दो बैटल ही जीतनी पड़ेंगी, उसके बाद हम लोग ईजिली हमारे पीडो को इवॉल्व कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था मैं ये सब के लिए, एक और बैटल बस, फिर ये इवॉल्व हो जाएगा हमारा पीडव। इसने प्रोटेक्ट यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं, एक और प्रोटेक्ट बट फेल्ड हो गया, नाइस। और हमने यहाँ पे इजीली वन शॉट किल कर दिया, पीडव 21 का हो चुका है, एंड अभी वो इवॉल्व होगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐश ने भी विनिपिड के साथ बैटल करते करते उसका पोकेमॉन इवॉल्व हो गया था, एंड काफ़ी अच्छी बात है। ट्रैंक्विल में इवॉल्व हो चुका है, एंड अभी हम लोगों को एक और काम, छोटा सा काम करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक और काम करना चाहता हूँ। हम लोग सबसे पहले तो स्विडल को एक्सपी शेयर दे देंगे, क्योंकि मैंने मेरे सारे पोकेमॉन से एक्सपी शेयर हटा दिया है, क्योंकि उनका यूज़ कुछ नहीं है अभी, क्योंकि ऑलरेडी सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है ऑफलाइन। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर पहले जाके यहाँ पे टीम रॉकेट से इनको हराना है, ये लोग, मतलब ये लोगों का तो ऑलरेडी काम ही है दिक्कत फैलाना और क्या। तो अभी हमारा पोकेमॉन ट्रैंक्विल आई गेस इसको संभाल लेगा, मे बी ट्राई करेंगे। रूस्ट यूज़ कर सकते हैं हम लोग एचपी हील करने के लिए, ओके, रूस्ट से हम लोग फिर से एचपी रिगेन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। चलो अभी एयर कटर के साथ इसको ख़त्म कर देंगे, स्विडल भी इवॉल्व हो जाएगा अभी तो, यानमास को के, ये भी काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, शैडो बॉल इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ट्रैंक्विल एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, गोस्ट टाइप के कोई भी अटैक इफेक्ट नहीं करेंगे मेरे ऊपर। अटैक मिस हो गया, ओके, बट कोई बात नहीं। और इसके साथ स्विडल भी इवॉल्व हो रहा है जो कि इन बैटल इवॉल्व होना चाहिए था, बट इन गेम में तो हम लोग इन बैटल इवॉल्व नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है। तो हम लोग अभी इसके साथ ही जाके बैटल करेंगे, प्रोटेक्ट सीख रहा है, ओके, प्रोटेक्ट के लिए नहीं, कोई प्रोटेक्ट वटेक नहीं सिखाना इसे, मुझे नहीं सिखाना, ओके। विनिपिड इनको हराने के साथ साथ विनिपिड भी सारे रिटर्न गए, मतलब किधर तो चले गए, कि फिर से जंगल में चले गए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी हम लोग गुड टू गो है, अभी हम लोग सीधा जिम बैटल करेंगे, कैस्टेलिया सिटी का जिम लीडर को हराएंगे, जिसका नाम बर्ग था कुछ, तो ऐसा ही कुछ तो नाम है, बर्ग नाम है आएंगे, सो कि ये रहा जिम। तो चलो चैलेंज करेंगे इसको सीधे, ये थोड़ा देखने में तो मेरे को ग्रास टाइप लग रहा है। बर्ग यूज बग टाइप पोकेमॉन, दे आर वीक अगेंस्ट फायर फ्लाइंग रॉक टाइप्स, हाँ आई नो। तो अगर ये बग टाइप है तो हम लोग यहाँ पे ट्रैंक्विल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग एनिमे की स्टोरी के हिसाब से जाए तो ऐश ने इस बैटल में टैपिक पिकाचू और स्वाडलून को यूज़ किया था, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, लेकिन उनके पहले इस चमच, अगर इनके चमचों को हराना है तो हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट्स वाई हम लोग अभी फ़िलहाल तो ट्रैंक्विल का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग प्रॉपर टीम के साथ जाएंगे, डोंट वरी।
पॉइजन टेल। ओके अच्छा हुआ कि मैं पॉइजन नहीं हुआ, नहीं तो दिक्कत हो सकती थी। इस पोकेमोन का डिफेंस थोड़ा कम होता है। ओके आई सी यू हैव मेड इट टू माई जिम, लेट्स बिगिन विद एलिगेंट बैटल, दिस एलिगेंट बैटल। आई एम होपिंग दिस कैन इंस्पायर मी डाउन टू रोड। ओके तो ऐश ने चूज़ किया था, सबसे पहला था ऐश का टैपिक, फिर था स्वाडलून और इन द एंड पिकाचू था। तो चलो बैटल बिगिन। इवन दो यहाँ पे दिक्कत मेरे को फेस होने वाली है, बट हम लोग इसी के साथ जाएंगे जो ऐश ने यूज़ किया था। फुल एनीमे वाली वाइब्स देंगे आपको। अभी आ रहा है एक वर्ली पीड। ओके एक फ्लेम थ्रोवर। आई गेस हमारा यही काफ़ी है इस जिन को हराने के लिए। लेट्स होप कि यही काफ़ी है। लेविनी ओके लीफ स्ट्रॉम आता है इसको, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक है बट कोई फ़ायदा नहीं, हमारे टेपिक नहीं हरा दिया। लिटरली गाइज हम लोगों ने इजीली ये बैटल जीत चुकी है। माय माय योर स्टाइल इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, थैंक यू। टेपिक इवॉल्व नहीं होना अभी। यू हैव अर्न द इंसेक्ट बैज, इसी के साथ हम लोगों ने हमारे तीसरा जिम बैज हासिल कर लिया है। एंड अभी हम लोगों को आई गेस कुछ तो करना है आई गेस। हाँ अभी हम लोगों को पोकेमॉन्स पकड़ने पड़ेंगे, जो कि दो नए पोकेमॉन्स होंगे, पालपिटोड और रॉक एंड रोल, कुछ तो ऐसा, कुछ तो रॉक एंड रोल नहीं, रोंगेला कोई तो पोकेमॉन का नाम है, वो रॉक टाइप पोकेमॉन है यार, आई नो कौन सा तो पोकेमॉन है। अभी मेरे को जज मत करो ना कि मेरा मजाक उड़ाना प्लीज़ कमेंट्स में, अरे गलती से बोल दिया। तो सबसे पहले हम लोगों को अभी दो पोकेमॉन पकड़ने हैं, जो कि इस सिटी के आई गेस बाद ही ऐश पकड़ता था, आई मीन पकड़े थे उसने, मे भी यहाँ पे ही थे। चलो जाके देख लेते हैं। एक मिनट पहले मेरे को देखने तो यहाँ पे नीचे इस साइड कोई रास्ता है क्या जहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं? आई गेस नहीं, आई डोंट होप सो। ये क्या है, गेम फ्रिक। ओके अगर मेरे को वहाँ पे जाना है तो मैं क्या कैसे जा सकता हूँ? एक मिनट ये नहीं जाने नहीं दे रहे मुझे। ये क्या है, एक मिनट ये डिपार्टमेंटल स्टोर है क्या? क्या बेच रहे हो? ओके बॉल्स बेच रहे हो, कोई बात नहीं। आप क्या बेच रहे हो? लेवल बॉल, वो क्या बॉल था? पोके बॉल फॉर कैचिंग पोकेमॉन दैट आर लोअर लेवल देन योर ओन। ओके लोअर बॉल फ्रेंड बॉल, ओके ओके पोके बॉल्स ही बेच रहे हो, कोई बात नहीं। आगे एक पुलिस वाला था, आर यू हियर टू हेल्प आउट? ओके ये मेरे को दिक्कत वाली फाइट्स लग रही है, तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, सीधा स्नाइवी को ले लेते हैं बीच में। लीफ ब्लेड, अरे यार टेक डाउन काफ़ी दिक्कत दे रहा है बट ठीक है कोई बात नहीं। एक काम कर लेते हैं, स्वाडलून को अभी उससे आइटम ले लेते हैं, मैं नहीं चाहता। अभी हम लोग स्क्रैगी को लेवल अप करें क्या? नहीं तो छोड़ो स्क्रैगी को फ़िलहाल तो नहीं करूँगा मैं, एंड मेरे को अभी इतनी सारी बैटल्स भी नहीं करनी है। अगर आपको पता रहेगा कि वहाँ पे जाना इम्पोर्टेंट था कि नहीं तो आप लोग मुझे बता देना। बाकी हाँ बस आई गेस इतना ही था, मतलब एपिसोड ख़त्म नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियस ही बात है। वेट करो पोकेमॉन हील करके हम लोग आगे जाएंगे एंड ऊपर ही जाना पड़ेगा। हम लोगों को अभी पालपिटोड और एक और पोकेमोन को पकड़ना है, जो कि मे बी आई गेस यहाँ पे मिल सकते हैं रूट 4 पे। यहाँ पे है क्या? लेट्स सी। ओके यहाँ पे फाइट्स आ रही है। माइंडफू फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, मिनफू नाम है इसका, मिनफू।
ओके गाइस, ये लो हमारा पालपिटोड़ हमें मिल चुका है। यस आई वांट कि तू मेरे टीम में आए। और हमारा एक और पोकेमोन अभी हमें मिलता था, मतलब मिला था आई गेस, वो पोकेमोन था, उसका पोकेमोन का नाम नहीं बोलूँगा। अच्छा ये रोगेनरोला, क्या नाम है, रोगेनरोला। ओके रोगेनरोला, मैं इसको रोगेनरोला बोला था, क्या क्या बोल दिया था, सॉरी। रोगेनरोला ये पोकेमोन भी ऐश के पास था आई गेस। लीफ ब्लेड से काट दो इसको, क्रिटिकल हिट फिर भी। ओके स्टडी एबिलिटी, हाँ ओके, तभी मैं सोचूं ये सरवाइव कैसे किया। अरे यार लिटरली 5 बार हिट कैसे कर सकते हो। इसको भी रेजर लीफ आता है तो कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। एक और लेजर लीफ, ओके मैंने इसको हरा ही दिया। एक और रोगेनरोला आ रहा है, ओके मेरा कहाँ पे है पोकेमोन। ओके गाइस ये लो हमारा दूसरा पोकेमोन भी हम लोगों को मिल चुका है, रोगेनरोला। तो मैं इन दोनों को पकड़ लिया है। अभी हम लोगों को पहले तो बैग में जाके, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्स रिपेल किधर गए, मैं नहीं चाहता मैक्स रिपेल अगर यूज़ नहीं करूँगा तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। अभी हम लोग यहाँ से पहले तो रिटर्न जाएंगे और पीसी में हमारे पोकेमोन रख के चेंज करेंगे। वेट, डिपॉजिट करना पड़ेगा मुझे या फिर किसको डिपॉजिट करो। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं है, अभी आप लोग कमेंट करके बता देना। मैंने दो पोकेमोन को, जो रोगेनरोला और पालपिटोड को, तो हम लोगों ने पकड़ लिया है। तो अभी आप लोग मुझे बता देना कि इन दोनों पोकेमोन को मैं टीम में रखूँ ना। ऑब्वियसली बात है रखना तो पड़ेगा क्योंकि ऐश के पोकेमोन है। लेकिन उसने, मतलब ऐश ने कब जाके उनके साथ बैटल की थी आगे जाके, अगर आपको वो पता रहेगा तो बता देना। और किस पोकेमोन्स के साथ उन लोगों को रिप्लेस किया था, आई मीन लेट्स यूज क्विक अटैक। ओ इसका अटैक काफ़ी स्ट्रांग था, एक घोस्ट टाइप पोकेमोन, टैपिंग, बट ये भी है, रॉक भी है, बट कोई बात नहीं। लीवेनी, ओके लीवेनी, इवॉल्व नहीं होना अभी तुझे, एक मिनट यार मेरे को हील करके आना पड़ेगा फिर से पोकेमोन्स को। ये टोन जो है ना गेम की काफी अच्छी है, कैची टोन है। चलो फिर से ऊपर जाना है हम लोगों को, लेट्स सी हमारे लिए क्या रखा है। और रिपेल खत्म, हम लोग एक और मार लेंगे, डोंट वरी। वैसे हम लोगों को दो पोकेमोन्स तो मिल चुके हैं, रोगेनरोला और ओ यहाँ पे डबल बैटर है। ओके रोगेनरोला एंड कौन सा मिला था, पालपिटोड। क्विक अटैक एंड लेट्स यूज लीफ ब्लेड। ओके गया एक पोकेमोन मेरा,
आगे जाएंगे, आगे ये जो ट्रिप है, ओके, स्टिल हियर टू गेट इन माई वे यू आर। देख ब्रो, तू मेरे रास्ते में आ रहा है, मैं तो बस सीधा सीधा जा रहा था, बट अगर तुझे आना ही है तो आ जा, आई डोंट केयर। इस पोकेमोन का फिजिकल अटैक अच्छा है, और ये जो एयर कटर और गस्ट है दोनों स्पेशल अटैक है, दैट्स वाई कम डैमेज दे रहे हैं। बट फिर भी आई विल चूज़ कि मैं एयर कटर यूज़ करूँ, इवन दो काफ़ी कम डैमेज दे रहा है, बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ना। कोई तो मूव सीख रहा है, डिटेक्ट, ओके डिटेक्ट से तो नहीं, नहीं डिटेक्ट वगैरह नहीं सिखाना मुझे। वैनिलाइट, ओके वैनिलाइट तो एक आइस टाइप है, तो हम लोग टेपिक को यूज़ करेंगे उसके ऊपर। वन शॉट किल, ओके नॉइस। ये एक फाइटिंग टाइप है, तो हम लोग इसके ऊपर फ्लाइंग टाइप को यूज़ करेंगे। टिम्बर, एयर कटर, मेरी स्पीड गिर गई, बट कोई बात नहीं, फ्लाइंग पोकेमॉन्स की स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा होती है। व्हाट अ सैड डिस्प्ले, कुछ बोलेगा, डोंट इवन ट्राई एंड एंटर द क्लब बैटल, ओके विद दोज मूव्स आई एम गोइंग टू विन इट एनी वेज, ओके। यहाँ पे एक, हाँ ले लेता हूँ, डारमैनिटियन, ओके। आई डोंट नो ऐश के पास ये था भी कि नहीं, बट हाँ आई गेस था, तो था आई गेस, यही था आई गेस, क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे पोकेबॉल में हाइपर पोशन मिल गया, आई डोंट नो अभी जाना कहाँ है, तो मैं आज का एपिसोड काफ़ी छोटा रखूँगा आई गेस। हम लोग पता नहीं क्या कर रहे, बराबर कर रहे कि भी नहीं, बट हाँ मे बी एक काम कर लेता हूँ, आज का एपिसोड यहीं पे मैं एंड करूँगा। पोकेमॉन सेंटर किधर गया, ये रहा। तो गाइस आप लोग बता देना कि आगे क्या करना है मुझे, और वो किस क्लब बैटल के बारे में बात कर रहा था, क्या मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना है, किस पोकेमॉन्स को चेंज करना है, वो तो मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं। बट हाँ आप भी बता देना तो काफ़ी अच्छी मदद हो जाएगी मेरी। एंड हाँ मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।